पिछले एक साल में तेंदुओं के हमले की लगातार बढ़ती संख्या से परेशान है गिर शासन के आसपास का इलाका। अभी तक 13 लोगों को खा चुके हैं तेंदुए। रात को खेत में काम करने से भी डर लग रहा है किसानों को, किसान से लेकर गांव वालों तक और साथ में राजकीय नेता सब कोई तेंदुओं को मार डालने की मांग कर रहा है। पर क्या मार डालना ये सही उपाय है? क्या सोच रहा है वन विभाग? तेंदुए के हमलों और वन विभाग के तेंदुओं को पकड़ने की कोशिशों के बारे में पिछले एक साल के आंकड़े क्या कहते हैं, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ से भरपूर, प्रकृति से भरपूर गाढ़ जंगल में है गिर शासन, और इसी गिर के जंगल के नजदीक में जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर और गिर सोमनाथ ऐसे 4 जिलों में तेंदुओं की तादाद 600 से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि अब खतरा बनता जा रहा है। खेतों में काम कर रहे किसानों को अब देर रात तक खेतों में काम करने से डर लग रहा है। मजदूर खेतों में काम करने के लिए नहीं आ रहे। सोनकड़ी गामनो जे आ રાતડાનો પાક કહેવાય, રાગવો ધાર, આ એટલા વિસ્તારમાં દીપડાનો એટલો બધો ત્રાસ છે કે ખેડૂતો રાત્રે પાણી વાળી જ નથી શકતા। બરાબર કંબાડું કરવા જાય, વાકો વળે છે, પાછળથી દીપડો તળપ મારે। દીપડાઓ ઓછામાં ઓછા 7-8 દીપડા છે અને એક દીપડી અને એના બચ્ચા બધું જ છે અહીંયા। એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે અમને દિવસનો લાઇટનો કાપ આપે। પર ક્યા તેંદુઓ કો માર ડાલના યહી ઉપાય હે? કિતને તેંદુઓ કો માર ડાલે? क्या सभी आदमखोर हैं? क्या कहता है एक साल का आंकड़ा? पिछले एक साल में कुल 4 जिलों में तेंदुए की संख्या देखें तो 600 से भी ज्यादा है। जूनागढ़ में 350 से भी ज्यादा, गिर सोमनाथ में 111, अमरेली 206, पोरबंदर 16। अभी तक वन विभाग ने 238 तेंदुए पकड़े, जिसमें 171 फिर से जंगल में छोड़ दिए गए, जबकि आदमखोर 50 तेंदुए निगरानी में रखे गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। 48 अभी भी जामवाला, जूनागढ़ और शासन के रेस्क्यू सेंटर में जेल में कैद है। एक साल में आदमखोर बने तेंदुए ने 61 लोगों पर हमले किए, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 मवेशियों पर हमले किए हैं। वन विभाग मानव मृत्यु पर 4 लाख रुपए जबकि दूध दे रहे हो, ऐसे ही गाय या भैंस की मौत पर ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए मुआवजा देता है। अभी भी आदमखोर बन रहे हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और पोरबंदर में 200 से भी ज्यादा पिंजरे रखे गए हैं, पर पकड़ में आ रहे हैं सभी आदमखोर तेंदुए। तेंदुए से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताते हुए फॉरेस्ट अधिकारी डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं, ऐसा अगर अटैक करता है तो उसको आप मवेशी को खाने दीजिए, क्योंकि अगर उसकी भूख पूरी हो जाएगी तो वो मानव पर अटैक नहीं करेगा। रही आपके नुकसान की बात, तो सरकार की जो भी योजना है उसके हिसाब से हम उसका कंपनसेशन देते हैं। 30,000 रुपये तक का कंपनसेशन अगर गाय या भैंस अगर वो मिल्चिंग है, दूध देती है, तो उतना मिलता है। इसी तरह से और भी बकरा, घेंटा वगैरह में भी मतलब जितने भी मवेशी होते हैं उसमें हम सरकार की तरफ से योजना है दिए जाते हैं। सभी तेंदुओं को पकड़ना नामुमकिन है, पर तेंदुए की बढ़ती तादाद को देख बर्थ कंट्रोल पर विचार कर रहा है वह विभाग। भारत में आज तक ये किसी भी प्राणी के लिए नहीं लिया गया निर्णय, पर तेंदुए की बढ़ती संख्या और जंगल बाहर निकलने पर मानव जाति से हो रहे संघर्ष के चलते बहुत जरूरी। अभी वन विभाग ने केंद्र सरकार को इस बात के लिए अपना विचार प्रकट किया है, अगर मंजूरी मिलती है तो नगर प्रजाति के लिए डेवलपमेंट को नियंत्रित किया जाएगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी की रिपोर्ट, गुजरात तक।